देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। नवनिर्मित 130 केएलपीजी क्षमता संचालित डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन। किसानों की भूली हुई गन्ने की पर्चियों के रुपए 168 करोड़ का भुगतान किया संजय और भूसरेड्डी। बिजनौर में पर्यटन को बढ़ावा मिला उमेश मिश्रा। धामपुर शुगर मिल के नवनिर्मित 130 केएलपीजी क्षमता संचालित डिस्टिलरी प्लांट का 5 जनवरी रविवार को उत्तर प्रदेश शासन की गन्ना विकास एवं आबकारी विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर भूसरेड्डी, IAS जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा, धामपुर शुगर मिल के MD गौरव गोयल ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इससे पूर्व में अपर मुख्य सचिव श्री संजय और भूसरेड्डी का पुष्प निकेतन स्कूल के बच्चों ने मंगल तिलक किया। डिस्टिलरी का उद्घाटन करने के पश्चात मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव श्री संजीव आर भूसरेड्डी ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी कैसे कर रही है, इस पर उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्ष पहले कुछ किसान अपनी गन्ना पर्चियों के भुगतान को भूल गए थे, लेकिन आज हमारे सहयोग से सरकार ने 25 वर्ष पुराना गन्ने की पर्चियों का भुगतान 168 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। उन्होंने कहा कि गूगल पर स्मार्ट किसान ऐप है, उस पर आप सब देख सकते हैं। उन्होंने किसानों और गन्ना मिल पर विस्तार में प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि श्री संजय जी ने नारा लगाया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा ने कहा कि 24 वर्ष पहले से नौकरी शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और धामपुर शुगर मिल समय पर भुगतान कर रही है। श्री उमेश मिश्रा ने किसानों उद्योग और विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बिजनौर की ऐतिहासिक भौगोलिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थिति का वर्णन किया। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य सचिव से जनपद बिजनौर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल दिया। धामपुर शुगर मिल के MG श्री गौरव गोयल ने अपनी मिल के विकास पर प्रकाश डाला और किसानों एवं मिल कर्मियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव व जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शुगर मिल के उपाध्यक्ष श्री सुभाष पांचे ने किया। उन्होंने गन्ना फैक्ट्री के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 1933 में फैक्ट्री लगी और 250 LPG की यूनिट थी, आज जो से 5000 प्रति लीटर का उत्पादन यूनिट कर रही है। धामपुर शुगर मिल की ओर से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा गन्ने की पौध तैयार करने वाले समूह रानी लक्ष्मीबाई महिला स्वयं सहायता समूह नैन्सी वाला व श्रीराम स्वयं सहायता समूह परमावाला की समूह की महिलाओं तथा 5 किसानों की भी मंच में शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम में धामपुर शुगर मिल के कारखाना महाप्रबंधक विजय गुप्ता, सत्यवीर सिंह, जितेश गुप्ता, कपिल देव, कृष्ण कुमार, विनोद राणा, प्रवीण भरतिया, पुष्पेंद्र चौहान एवं किसान भी उपस्थित रहे। खांड जो है वो छोटा भाई टाइप का, गुड़ अलग है, गुड़ की इकाइयां अच्छी है, बिजनौर एक अच्छा है, हापुड़ है, मेरठ है, जो मुजफ्फरनगर है, इधर बिजनौर है और इसके आसपास का क्षेत्र है, मतलब 3 मंडल हमारे गुड़ में अच्छा काम कर रहे हैं, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल। इसके बाद बरेली में भी बहुत अच्छा गुड़ की इकाइयाँ आई है, अभी कुछ बड़ी गुड़ की इकाइयाँ आ रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे लखनऊ में लखीमपुर खीरी एक बड़ा गुड़ का मार्केट होता है और एक अयोध्या के तरफ अच्छा गुड़ हो रहा है। कुछ जालौन वगैरह पहले होते थे, वहाँ अभी भी हो रहा है। आप लोगों को ताजुब होगा, जो गुड़ महोत्सव हम लोगों ने किया कोड ऑफ कॉन्डक्ट के कारण नहीं हो पाया था, उसके पहले साल मैं ताजुब था जब मैं सुबह स्टॉल लगवा रहा था, पूरी व्यवस्था देख रहा था, तो 6000 रुपये किलो के गुड़ थे। तो मैंने दोबारा पूछा, मुझे लगा 60 या 6000, दोनों में अंतर है 600।